नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया हूँ Realme Narzo 20 Pro का एक कैमरा रिव्यू। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीछे क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दिया गया, जहाँ पे प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस है एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। तो आज हम यहाँ पे इसके कैमरा को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये कैमरा किस तरह से परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रॉइड एंगल लेंस की फोटो है ये एंड टिपिकल रियलमी के सभी फोन्स में आपको जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है वही यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ उसी तरह की फोटोज आपको देखने को मिल जाती है, डिटेलिंग वगैरह अच्छा देखने को मिल जाता है एंड स्किन टोन वगैरह भी आप देखते हैं तो अच्छे से यहाँ पर मैनेज हुआ है। बाद ये प्राइमरी लेंस से निकाली गई फोटो है तो यहाँ पे भी डिटेलिंग कलर्स वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाता, कोई भी इश्यू नहीं है एंड जो ब्यूटीफाई हो जाता था जनरली रियलमी के फ़ोन्स में वो इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्किन टोन मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए तो स्किन टोन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो बाद ये मैंने 2x जूम करके निकाली हुई इमेज है तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड एज डिटेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाता है, उसका कोई भी इश्यू नहीं है। एंड अगेन जो स्किन टोन का मैं बोल रहा हूँ कि जो स्किन टोन दिखाता है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा येलोइश बना देता है, तो इस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाले गए कुछ और सैंपल है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डायनामिक रेंज वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, कलर सैचुरेशन सब कुछ यहाँ पे ऑन पॉइंट है। जब अच्छी लाइटिंग होती है तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद ये कुछ प्राइमरी कैमरा से निकाले गए नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड बाकी डिटेलिंग वगैरह की बात करें तो वो भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। उसके बाद 48 मेगापिक्सल मोड में ये इमेज निकाली हुई है तो इसको अभी जूम करके देख लेते हैं तो मैक्सिमम जूम कर दिया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि डिटेलिंग वगैरह ठीक ठाक देखने को मिलता है, कोई इतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। बट किसी भी फ़ोन में अगर आप 64 मेगापिक्सल वाले फ़ोन में भी मैक्सिमम जूम करते हैं तो इमेज कुछ इसी तरह की देखने को मिल जाती है। कुछ मैक्रो के सैंपल है एंड मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, मुझे तो यूजलेस ही लगता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह कुछ बेकार ही आते हैं, देखने में भी यहाँ पर पसंद नहीं आ रहे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्रो कैमरे का यूज़ ना करें, बाकी आपकी चॉइस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कलर्स वगैरह आपको बाद में एडिटिंग करना पड़ेगा। कैमरा से लिया गया फ़ोटो है तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे जो टी शर्ट का कलर है वो थोड़ा सा वाइट के ऊपर रखा है जबकि एक्चुअल कलर नहीं दिखाया है। बाकी स्किन टोन वगैरह यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखाया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद भी बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है तो वो चीज़ बढ़िया है। डिटेलिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, बट अगेन जो टी शर्ट का कलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा डल लग रहा है। तो लाइटिंग में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है तो यहाँ पे भी जो दूसरे फोन्स परफॉर्म करते हैं इस प्राइस रेंज के उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कैमरा से लिया गया सैंपल है तो यहाँ पे भी अगेन स्किन टोन वगैरह यहाँ पे थोड़े से बेटर लग रहे हैं मुझे कंपेयर टू आउटडोर। मोड को ऑन कर दिया है, हेज डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया हो जाता है इनडोर्स भी एंड ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काफ़ी बढ़िया हेज डिटेक्शन हो रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। ये कुछ और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज से तो आप देख सकते हैं किस तरह के कलर्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइमरी लेंस से लिए गए फोटो से तो यहाँ पे कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं एंड ऑन पॉइंट है एकदम, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेचुरेटेड कलर्स नहीं आ रहे तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। हाँ, ह्यूमन स्किन टोन के ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी जो ओवरऑल फोटोज़ वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं एंड ओवर सेचुरेशन नहीं हो रहा है। मैक्रो के सैंपल है तो मैं अगेन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करें क्योंकि कलर्स वगैरह बहुत ही बेकार देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा से लिया गया सेल्फी सैंपल है एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फ़ोटो, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही है, चेहरे पर डिटेलिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड टी शर्ट का कलर यहाँ पर ऑन पॉइंट दिखाया है, जो आउटडोर में प्रॉब्लम था कलर का वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मोड को ऑन कर दिया है, डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया हो गया है, बालों में जनरली अच्छे से डिटेक्शन नहीं होता है दूसरे फोन्स में बट यहाँ पे वो इश्यू देखने को नहीं मिला है एंड बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे से ब्लर हो गया है तो पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। जो लो लाइट इमेज से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ये विथ नाइट मोड है एंड ये प्राइमरी है विदाउट नाइट मोड है, ये विथ नाइट मोड है। तो नाइट मोड ऑन करते ही प्राइमरी
लेंस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लो लाइट में यूज़ करें। फ्रंट कैमरा के सैंपल है तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव है। जो टी शर्ट का कलर है, जो स्किन टोन है, वो सब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये विदाउट नाइट मोड है, ये पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड भी लो लाइट में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, एंड ये विथ नाइट मोड है। तो नाइट मोड को ऑन करते ही काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैमरे का यहाँ पर परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, एंड अगेन सोनी का सेंसर है तो उसी हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म भी कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो के सैंपल देख लेते हैं। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, एंड अभी मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ। ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो की क्वालिटी किस तरह की है, फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, एंड यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं। तो अल्ट्रा स्टडी मैक्स मोड को ऑन कर दिया है, एंड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी आपको सुपर स्टडी मोड मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। तो 1080 पिक्सल 60 फ्रेम्स पे ये फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी किस तरह की देखने को मिल जाती है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, एंड स्टेबिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन हो रहा है, बाकी आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं। तो 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पे ये फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फुटेज स्टेबल लग रही है, एंड यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है। तो अभी अगली फुटेज में आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर दिया है, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है फुटेज। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme Narzo 20 Pro के फ्रंट कैमरा से, एंड 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो की क्वालिटी किस तरह की है, स्टेबिलाइजेशन किस तरह का है, एंड डायनामिक रेंज किस तरह की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये स्लो मोशन 120 FPS का सैंपल है, यहाँ पे 1080 पिक्सल पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लो मोशन, 120 फ्रेम्स पे आप रिकॉर्ड करते हैं तब, एंड 240 फ्रेम्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 720 पिक्सल पे। तो अभी अगला सैंपल आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो 240 FPS पे निकाला गया सैंपल है, एंड यहाँ पे भी अगेन अच्छी लाइटिंग होती है तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल जाता है। 720 पिक्सल पे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है जब आप 240 FPS पे सैंपल निकालते हैं, तो क्वालिटी किस तरह की है वो यहाँ पे आप इस सैंपल में देख सकते हैं। एंड ये टाइम लैप्स का एक सैंपल मैंने लिया है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो इसका जो कैमरे का परफॉर्मेंस है, जो कंपटीशन के डिवाइसेस आते हैं तो उसी हिसाब से मुझे लगा है, कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं है। सब जगह पे यहाँ पे इसने अच्छा परफॉर्म किया है, इंडोर चाहे आउटडोर हो या फिर लो लाइटिंग कंडीशन हो। यहाँ पे जो ह्यूमन स्किन टोन्स है उसके ऊपर कंपनी को थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे इतना बढ़िया मुझे नहीं लगा है, स्पेशली आउटडोर लाइटिंग में। एंड उसके अलावा वीडियोस के बारे में बात करें तो सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, 4K तक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलता। 1080 एट 60 पे भी आपको स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलता, अगर आपको स्टेबिलाइजेशन चाहिए तो 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स तक मिल जाता है। एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ मुझे जिटरिंग जैसा इश्यू देखने को मिला था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखनी है। बाकी दूसरे कॉम्पिटिशन के डिवाइसिस के साथ ये किस तरह से कम्पीट करता है वो चीज़ देखने के लिए तो मुझे भी इसको दूसरे डिवाइस के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो पोको M2 Pro के साथ इसका कंपैरिजन मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही नए नए और मज़ेदार वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो बस सभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।